दिस इज़ अ ट्रैवल वॉक। मैं स्कूटी से मंचरियल से हैदराबाद गया था। सेम डिस्टेंस वही बस का उतना टाइम लगता, 5 घंटे। 500 का पेट्रोल डला लिया मैं और सुकून से निकल गया मैं। हेलमेट मस्ट है, और ये एक नया कलेक्ट्रेट रोड है यहाँ पे CCC का, बहुत प्यारा सजाया उन्होंने, कलर कलर के पिलर्स। और ये जयपुर का पावर प्लांट है, बहुत दूर से भी दिखता, पूरी गोल्डन सिटी के ऐसा रहता हूँ। जो बस का कंफर्ट है वो नहीं मिलता, यहाँ खुद से चला लेके जाना पड़ता स्कूटी को, तो वही एक प्रॉब्लम है। और सुकून से पहुँच जाते आराम से, 60-80 की स्पीड में चले गए, हो गया। ये ओपन कास्ट माइन है गोदावरी नदी से पहले की। सुबह के 5 बजे स्टार्ट हुआ था मैं, तो 10 बजे तक पहुँच गया मैं जुबली हिल्स तक ऐसा। और ये गोदावरी नदी शुरू हो जाती, वो सुबह का टाइम बहुत प्यारा था, और ऐसे पीसफुल प्लेसेस मेरे को बहुत पसंद। थोड़ी देर रुक के गया था मैं, फोटोज वीडियोस वगैरह ले लेके। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ मैं, यहाँ से निकल के रामगुंडम, और रामगुंडम के पास NTPC टावर्स वगैरह देखा था, थर्मल पावर स्टेशन है ना वो, विंटर के टाइम पे बहुत प्यारा दिखता NTPC। और इससे आगे बसंत नगर, बसंत नगर के पास एक फैमिली पार्क भी है, रिसेंट लास्ट टाइम विजिट भी करा था फैमिली के साथ, बहुत अच्छा है। और ये पूरी ग्रीनरी रहती है यहाँ से वहाँ तक। और इसके बाद पेद्दापल्ली के रास्ते में एक ऐसी रोड पे, हाईवे पे रोका था, एक हॉट स्प्रिंग था वहाँ पे, स्विमिंग पूल के जैसा लोकल्स पूरे यूज़ कर रहे थे। सब नारे बोल के नहीं लिया मैं वहाँ की वीडियो, खाली बस बाजू की रेलवे ट्रैक्स ट्रेन जा रहे थे तो एक वीडियो निकाल लिया मैं। और यहाँ से शुरू होता पूरा ग्रीनरी, फूलां गीलां डेकोरेशन वगैरह पूरे यहाँ से शुरू हुआ तो प्रज्ञापुर तक ख़त्म होता। ये सामने के आते सोलाइट को मुंह पे नहीं मारना बोल के बराबर लगाए सही। और सनराइज हो गया तो करीमनगर से पहले रुक के एक लेक था वहाँ पर, रुक के मैं ही निकाल लिया एक वीडियो। 2-3 पॉइंट्स ऐसे बीच में आए थे, पहुंच गया मैं करीमनगर। ये करीमनगर चौरस्ता आया, मंचरियल चौरस्ता बोलते शायद इसको, यहाँ से राइट लिया तो करीमनगर आता, लेफ्ट लेके स्ट्रेट गया तो हैदराबाद आता। और यहाँ से स्ट्रेट लेके लेफ्ट लिया तो केबल ब्रिज आता, केबल ब्रिज नहीं देखा था मैं, लाइन केबल गेट पर राउंड मारने आ गया मैं यहाँ पे। सहायता मॉर्निंग जॉगर से यहाँ पे सब सुकून से था, कोई ट्रैफिक जाम हो या कुछ भी नहीं है। नाइट व्यू कैसा है नहीं देखा मैं अभी तक इसका, आगे जाके यहाँ पे यू टर्न या फिर यू टर्न लेके बैक टू रूट और टूवर्ड्स हैदराबाद। वली बैंड्रा सीलिंग के सस्ते वाइब्स होना बोलते हैं आ जाना। और यहाँ पे कुछ डैम भी रहता, लोअर मैंने डैम शायद मेरे ख्याल से, तो यहाँ का ब्लॉग भी निकालना है, नहीं निकाला मैं, बनाएंगे इंशाल्लाह। ये वागीश्वरी कॉलेज है, वहाँ पे थोड़ी देर के वास्ते रुका था मैं, मैनी ऑफ माई फ्रेंड स्टडीड ओवर हियर। और उसके बाद निकल गया मैं, सिद्धिपेट का अप्रोच हो रहा था, ग्रीनरी अच्छी थी बोल के थोड़ा एक वीडियो निकाल लिया मैं, लैंडस्केप शॉट। और ये प्रज्ञापुर की एंडिंग है, यहाँ तक ही है पूरी ग्रीनरी, इसके बाद रुक जाती। और शामीरपेट पहुँच गया मैं, सुबह सुबह के टाइम में पहुँच गया मैं, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं थी, मेरे को ट्रैफिक मिली भी नहीं रास्ते में ज़्यादा। और शामीरपेट का एक व्लॉग है ऑलरेडी अपलोड करना है, नहीं करा मैं। और ये जुबली हिल्स पहुँच गया मैं, 5 घंटे में पहुंच गया मैं। ड्राइव सेफली, बाय बाय।